चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं ये दिखा रही हूँ छोले जो मैंने रात में फूलने के लिए डाले थे, और आप समझ गए होंगे ये संडे का ब्लॉग है। और बच्चों की फरमाइश थी तो संडे को अब छोले बनेंगे। और आज मतलब जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, तो बस यहीं पर करूँगी, क्योंकि आज का पूरा दिन मेरा यहीं निकल गया था। और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर खड़े खड़े क्या क्या किया। तो छोले को बॉईल करके करने के लिए रख दूँगी मैं। और अभी टाइम हुआ है, ये देखिए ये आ गए हैं और आज ये घर पे हैं। और इनको मौका मिल गया है थोड़ा सा, जब तक वो दिद्दू कहीं गई है या जब तक ये किचन में आके उसकी देखिए कैसे बुराइयाँ कर रहे हैं। तो ये गुनगुन की बुराइयाँ हो रही हैं यहाँ पर, और चोरी चोरी से बताया जा रहा है ताकि वो भी ना सुन पाए और ये अपनी भड़ास निकाल सकें। ये थोड़ा सा ये देखिए ये बता के जल्दी जल्दी और चले गए हैं। तो ये है तो इंसान की फितरत। तो मैं आपको बता दूं कि मौका अगर मिले तो कोई भी नहीं छोड़ता है। और वही भाई इतने से ही हो जाती है आदत ना, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी जाती नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जैसे इंसान के फितरत ही ऐसी होती हो। तो आप देख सकते हैं इतनी आसानी से जल्दी से बता के और भाग गया। और तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, बॉयल हो चुके हैं छोले। और भटूरे नहीं बनाऊंगी मैं। भटूरों में क्या है कि एक तो मैदा से बनते हैं और फिर दूसरा, और मैंने तो खैर अपने लिए रोटियां ही बनाई थी, इन लोगों के लिए पूरियां सेंक दी थी बच्चों के लिए, और हम दोनों ने रोटी ही खाई थी। क्योंकि पूरी क्या होती है कि या तो कोई गर्म गर्म सेंक के दे तो ही अच्छी लगती है, और सेक के रख दो फिर आप जब फ्री होंगे तब खाएं, फिर वो मज़ा नहीं आता है पूरी में। और ऐसी तो हम लोगों की किस्मत खैर होती नहीं है कि कोई हमें सेक के दे दे, तो बस जब किस्मत में ही नहीं है तो रोटी खा लो, वो ज़्यादा सही है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है और वैसे भी अच्छी है। भैया अपनी रोटी बनाई और रोटी ठंडी भी खा सकते हैं, मतलब खा लेते हैं तो उतनी वो नहीं लगती है। लेकिन पूरियाँ जो हैं बना के रख दो फिर खाओ तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैंने अपने लिए रोटी ही सेकी थी, इन बच्चों के लिए बस पूरी बना दी थी। तो ये आप देख सकते हैं अभी मसाला भून रहा है। और मैं कोई नहीं दे रही हूँ आप लोगों को रेसिपी, तो मैं इतना नहीं बताऊँगी डिटेल में कि क्या डाला है क्या नहीं डाला है। वैसे भी सब लोगों को आता है, सब लोग बनाते हैं अपने अपने घर में, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आप लोगों को सिखाऊँ। और मैं खुद अभी सीख रही हूँ तो आप लोगों को क्या सिखा सकती हूँ, समझ सकते हैं आप लोग भी कि ज़िंदगी में सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है, सीखता ही रहता है इंसान कुछ ना कुछ। कुछ समय वक्त से सीखता है, कुछ रिश्तों से सीखता है, कुछ आस पड़ोस से सीखता है, कुछ दुनियादारी से सीखता है। तो ये सब सीखना लगा रहता है। और छोले डाल दिए हैं मैंने, मसाले में कंप्लीट हो गया था। और छोले में छोला मसाला डाल दो तो टेस्ट तो छोले जैसा आ जाता है। तो बस अब आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दें, जैसे कि मैं अपने हिसाब से डालूँगी। और बस इसके बाद देखिए मेरे छोले तो बन के रेडी ही हो गए हैं बातों बातों में। और ऐसे में लगता है हमें कि देखिए बातों बातों में हम कितनी जल्दी हमारा काम हो गया, लेकिन पता ये काम मेरा बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि शुरुआत ही मैंने लेट करी थी। छुट्टी का दिन है तो इतना ज़्यादा जल्दी होती नहीं है, तो शुरुआत लेट करी थी। और शुरुआत लेट हो जाए तो एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 मिनट रोज़ की अकॉर्डिंग अगर 10 मिनट ही लेट उठते हैं ना, तो फिर वो 2 घंटे लेट हो जाता है काम। 10 मिनट लेट नहीं होगा फिर वो 2 घंटे लेट हो जाएगा। तो बस सब्जी बन गई है, अब चलिए पूड़ियाँ सेक देते हैं। बच्चों को भूख लग गई थी तो संयोग को पूरियां बना दूंगी मैं। और ये इसके बाद संयोग को गुनगुन को दोनों को पूरियां ही खानी थी तो उनको सेक दी थी मैंने। और बस क्या इसके बाद इनकी थाली लगा देंगे। और बस मैंने मतलब जितना भी है जो भी है बस यहीं पर ही है। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है और थोड़ा सा वॉच टाइम भी बहुत वैसे आ रहा है। कुछ मतलब लोग जो हैं देखते हैं तो स्किप करके देख लेते हैं या
कुछ मतलब ऐसे ही देख लेते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इनका देखेंगे तो ये हमारे वीडियो में ये हमारा देख लेंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं तो वो सिर्फ ये करते हैं कि उन्होंने टच किया और कमेंट किया और चले गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हाँ देखते हैं, मुझे पता है और हमें काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और उनका रहता है कि देखते रहते हैं वो, तो मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ ही लोगों के लिए कह रही हूँ, और जो लोग ऐसा करते होंगे उनको पता है कि वो मैं किसके लिए कह रही हूँ। बाकी कुछ लोग तो देखते हैं और यूट्यूबर सिस्टर हैं जो जुड़ी हुई हैं वो देख लेते हैं, कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को क्या, बातों को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो तो किचन में ही ख़त्म होगा और वैसे हमारी ज़िंदगी भी यहीं ख़त्म होती है और आगे कहीं जाती नहीं है, इतने से यही एक दायरा होता है हमारी पूरी ज़िंदगी का, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, बच्चे घर फैमिली उनका ध्यान रखना ये वो सब ख़त्म हो जाता है इसी में। तो चलिए पूरियाँ सिक गई हैं, अब लगा लेते हैं हम थाली। तो बच्चों के लिए मैं देखिए मैंने पापड़ भी सेक दिए हैं, मतलब उनका पूरा होना चाहिए था, फील आना चाहिए कि हाँ सब कुछ आज संडे है तो संडे स्पेशल हो जाने दो। तो रायता भी बना दिया था, खीर भी बना दी थी और छोले थे, छोले की सब्जी थी और पूरी थी, और देखिए सलाद भी कटा हुआ रखा है। तो सारी मतलब मैंने उनका कर दिया था, घर पे जितना मैं उनके लिए कर सकती थी तो मैंने कर दिया था। और बस चलिए थाली लगा लेते हैं और बच्चों को दे देते हैं। तो ये देखिए पहले मैंने रायता डाल दिया है और बस इसी तरीके से आप देखते जाइए, मैं लगाती जाऊंगी और यहीं पे बातें भी होती जाती हैं हमारी। तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसमें और मैं शायद इसीलिए वीडियो डाल देती हूँ ताकि मैं आप लोगों से बातें कर सकूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन नहीं, मतलब आधा टाइम तो अकेले ही रहते हैं, ज़्यादातर लेडीज रहती हैं अकेली, तो कुछ लोग टीवी देख लेते हैं, कुछ लोग वो अपना मन वो कर लेते हैं, मैं वीडियो डाल देती हूँ तो इसमें आप लोगों से कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ कभी कभार कुछ भड़ास निकल जाती है और थोड़ा सा मतलब हमारा टाइम पास हो जाता है। और तो वैसे वीडियो से और कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी इतना हो जाता है तो उतना ही बहुत है। और थाली लग गई है और आप लोग भी आ जाइए जिसको भूख लगी हो। और मेरा तो आज व्रत है क्योंकि ये संडे का वीडियो है और मंडे को मैं एडिट कर रही हूँ, तो मंडे को तो व्रत होता है क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं। तो बस पूरियाँ रख देंगे हम और हमारी मतलब थाली बिल्कुल रेडी हो गई है और आप लोग आके और इन्जॉय करिए थाली को। और हम लेते हैं आपसे विदा क्योंकि वीडियो का अब यहीं पर एंड करेंगे और अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे कल। तो और वैसे कल मेरा एक संडे को कोई वीडियो भी नहीं आया था क्योंकि संडे को मेरे पास काम बहुत होते हैं तो मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, सब लोग घर पे होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं डाला था। और देखिए मैंने अचार भी रख दिया, तो ये करौंदे का अचार है और आप देख सकते हैं अभी आपने देखा भी होगा मैंने करौंदे का अचार रखा था, ख़त्म होने को है तो बस इतना ही चलता है ये करौंदा वाला अचार जो होता है, ज़्यादा दिनों नहीं चलता है, फिर से बनाएंगे हम। और बस आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वैसे मैं कह देती हूँ आप लोग बताते नहीं हैं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, लेकिन फिर भी भाई मैं तो एक उम्मीद के साथ डालती हूँ तो कहूँगी आप लोगों से कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। और जो ठीक ना लगा हो तो भी बता सकते हैं कि ये अच्छा नहीं लगा या वो अच्छा नहीं लगा, अपनी मतलब राय देने के लिए मैं कहती हूँ आपसे कि आप लोग अपनी राय दें कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब बाय बाय दोस्तों।